हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ लेसन नंबर 15. इट्स नेम इज एरिया. इन फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस. ओके, रोम्बस, ठीक है. ड्रॉ अ रोम्बस एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स ऑफ ईच अदर. ओके, एक रोम्बस की डायग्राम निकालो, ए बी सी डी. ओके, एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स ऑल्सो. ये डायगोनल के कारण क्या दिखाई देता है, द टोटल रोम्बस गेट्स डिवाइडेड, यानी ऐसा दिखाई देता है कि इन फोर, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स. ओके, चार पार्ट में. ओके, वो पार्ट कैसे है, देखो ये ट्राइंगुलर पार्ट है, ये ट्राइंगुलर पार्ट है, ट्राइंगुलर पार्ट है, ये भी ट्राइंगुलर पार्ट है. ओके, अब आप लोगों को इससे ही अंदाजा आया होगा. ओके, यानी अगर ये चार ट्राइंगल का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो वो चार ट्राइंगल का एरिया उसकी सम यानी एडिशन करने के बाद हमें किसका एरिया मिलेगा, रोम्बस का. इज इट करेक्ट, यानी व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 into base into height. राइट, तो इस तरह से हम लोग, अब ये देखो, अब ये जो मैंने फॉर्मूले एक्सप्लेन किए 1/2 into base into height, तो हर बार जहां पर मैं बेस बोलता हूं, बेस हाइट. ओके, बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट, तो यहां पर किसका कनेक्शन आता है, डायगोनल का कनेक्शन आता है. ओके, साइड से कुछ कनेक्शन नहीं है. ओके, एरिया ऑफ रोम्बस उसका साइड से कुछ कनेक्शन नहीं, उसका कनेक्शन किससे है, ओनली डायगोनल्स. ओके, लेट अस सी नाउ डिटेल. ओके, पूरा के पूरा यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो नीचे क्या पढ़ना है. ओके, लेट लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू डी वन. लेंथ ऑफ एसी इज व्हाट इट इज कंसिडर्ड एज, डी वन. डी वन यानी डायगोनल वन, पहला डायगोनल. एसी इज डी वन एंड बी डी इज डी टू यानी डायगोनल टू, ऐसा कंसिडर किया है. ओके, देन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ओके, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट इन द पॉइंट पी. उसके डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को का इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट पी. सो वी गेट फोर कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, वो तो एक्सप्लेन किया. साइड्स ऑफ ईच राइट एंगल ट्राइंगल आर 1/2 into length ऑफ ए सी. ओके, तो हर एक राइट एंगल की साइड्स वो कितनी है, कौन सा भी राइट एंगल ले लो उसकी साइड कितनी है, 1/2 of AC. ये देखो, ये पूरा डायगोनल ए सी है, उसका हाफ, तो क्या हो गई वो एपी. ओके, और वो हाफ ऑफ ए सी है. ओके, और ये जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड है ये हाफ ऑफ बी डी, यानी बी डी का आधा पार्ट. वाई आई एम सेइंग हाफ, बिकॉज These two are diagonals, they are perpendicular bisectors. यानी वो perpendicular भी है और एक दूसरे को bisect भी करते हैं. यानी bisect यानी they cut each other into two equal parts. Okay, ये जो diagonal BD है ये AC को दो equal part में divide करता है. Okay, and diagonal AC BD को दो equal part में divide करता है. ये speciality होती है rhombus की. So it is called rhombus. Okay, so areas of all these four triangles are equal. Okay, इसीलिए ये चारों जो ट्राइंगल है इनका एरिया कैसा आता है, इक्वल. ओके, लेट अस मूव अहेड. सो देयर फोर लेंथ ऑफ एपी, लेंथ ऑफ एपी यानी आधा डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पीसी, वो आधा डायगोनल इज इक्वल टू कितनी होती है, 1/2 length of AC. ये दोनों की लेंथ कितनी है, दोनों की यानी एडिशन नहीं करनी है. लेंथ ऑफ एपी कितनी है, जितनी लेंथ ऑफ सीपी है उतनी.
वो कितनी है, वन हाफ ऑफ एसी, एसी से एसी का वन हाफ अगर करते तो। ओके, एसी को हमने नाम क्या दिया है, डी वन। ओके, तो वो लेंथ कितनी हो गई, डी वन अपॉन टू। ओके, ये क्या हो गई एपी की लेंथ, व्हाट इज इट, लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू डी वन अपॉन टू। ओके, उसी तरह बीपी की लेंथ कितनी है, वन हाफ अपॉन वन हाफ ऑफ बीडी, ये जो बीडी है डायगोनल उसकी वन हाफ। ओके, बीडी को नाम क्या दिया है हमने, डी टू, तो डी टू अपॉन टू, ये क्या हो गई किसकी लेंथ, बीपी। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी, पूरे रोम्बस का एरिया कितना, फोर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी। ओके, ट्रायंगल एपीबी जो है, मैं वापस आपको फिगर पर लेता हूं। ओके, एपीबी ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया आएगा उसको फोर से मल्टीप्लाई करो। फोर से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय फोर। अगर फोर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे रोम्बस का एरिया मिलता है, राइट। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, एपीबी हमें ट्रायंगल मालूम है, वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये फोर एज इट इज केम डाउन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या है एपी, हाइट क्या है बीपी, फिगर पर देखते हैं, बेस क्या है एपी, हाइट क्या है बीपी, राइट, वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो देयरफॉर अब देखो ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये कैंसिल कर रहे हैं दूसरे एक दूसरे को, सो क्या बचता है, टू मल्टीप्लाइड बाय, ओके ये इसका आंसर क्या मिला पूरे का, टू मल्टीप्लाइड बाय एपी का मतलब क्या है, एपी ईयर वी हैव टेकन, देखो एपी इज इक्वल टू, एपी का मतलब डी वन अपॉन टू, इट इज टेकन ईयर, एपी के बदले में क्या लिया डी वन अपॉन टू, मीनिंग सेम है, लेना डिस्टेंस तो उतना ही है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपी, डी टू अपॉन टू, डी टू अपॉन टू, राइट। ओके, अब ये तीनों को भी टू से डिवाइड करो। ओके, अब ये टू ये दोनों को भी कैंसिल करता है। अब कैसे होता है देखो, दिस टू कैंसिल्स ईच अदर। ओके, हो गया, और ये टू को कैंसिल करने के लिए वन अपॉन टू से वन अपॉन टू ले लो। ओके, यानी ये टू कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम सेपरेट कर रहे हैं। ओके, तो डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी टू ये आ गए सेपरेटली इधर, डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी टू, एंड ये अपॉन टू इट इज टेकन सेपरेटली वन अपॉन टू, राइट। ये टू सेपरेट निकाला है एंड दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला इससे क्या बनता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी टू, व्हाट इज इट, डी वन का मतलब क्या है डायगोनल वन, डी टू का मतलब है डायगोनल टू। ओके, और उनका क्या लेना है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ओके, सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, इतना सिंपल है। ओके, उस रोम्बस की साइड कितनी भी होने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ कनेक्शन है, अगर हमें अगर डायगोनल की लेंथ मालूम है, ओके, तो वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, प्रोडक्ट ले लो और उसको वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ रोम्बस, राइट। नाउ आफ्टर दिस सॉर्ट एग्जाम्पल्स आर गिवन द सेम, सिंपल, वेरी सिंपल इट इज, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, एंड दिस वे इट इज सॉर्ट। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज ऑल्सो वन मोर सॉर्ट एग्जाम्पल इज गिवेन। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया दिया है one, एक डायगोनल की लेंथ दी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ओके, तो बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करना है, यू विल गेट द आंसर। ओके, टिल हियर इट इज सॉल्व्ड। नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2। इन दिस हाउ मेनी एग्जांपल्स आर गिवन,
टोटल फोर एग्जाम्पल्स आर गिवेन. ओके, लेट अस सॉल्व दीज फोर एग्जाम्पल्स वन बाय वन. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेंथ ऑफ द डायगोनल अपर रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया. सो व्हाट थिंग्स आर गिवन? लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, यानी हम लोग उसको मैं डी वन बोलता हूं. डी वन इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल टू इज गिवन 24 सेंटीमीटर. राइट, सो देयर फोर व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? इट इज 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर. राइट, इज इक्वल टू, ओके, ये 2 और 24 एक दूसरे को अगर ऐसा दोनों को 2 से डिवाइड किया, ओके, तो 2 का आंसर यहां पर क्या आंसर मिलता है? 1 और यहां पर 12 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन दोनों का 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलता है? 180 एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इट इज स्क्वेयर सेंटीमीटर. ओके, तो एरिया का यूनिट किस में आता है? स्क्वेयर में. ओके, स्क्वेयर सेंटीमीटर. सो राइट द फाइनल आंसर. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 180 स्क्वेयर सेंटीमीटर. राइट, लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर टू. एग्जाम्पल नंबर टू, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. यहां पर भी सेम एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ यहां पर क्या है, हियर द वैल्यूज आर गिवन इन डेसिमल्स. ओके, डेसिमल पॉइंट है, बस उतना कंसिडर करना है और कुछ नहीं. व्हाट थिंग इज गिवन? लेंथ ऑफ द डायगोनल वन इज गिवन 16.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल टू इज गिवन 14.2 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी टू. ओके, व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी दोनों डायगोनल के लेंथ का मल्टीप्लीकेशन. ओके, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 14.2 सेंटीमीटर. राइट, इज इक्वल टू, ओके, अगर ये टू से अगर इसको मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, तो आंसर यू विल गेट 7.1. राइट, इसको टू से डिवाइड किया, इसको टू से डिवाइड किया, व्हाट इज रिमेनिंग? 16.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.1 सेंटीमीटर. ओके, अब 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1 आंसर मिलता है 117.15. ओके, एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर. राइट, ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 117.15 स्क्वेयर सेंटीमीटर. राइट, नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर थ्री. एग्जाम्पल नंबर थ्री इज इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल फोर साइड्स, जो बाहर की जो साइड्स है उसकी सम इज 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया है,
एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल की लेंथ दी है, दूसरे डायगोनल की लेंथ दी नहीं है, ओके, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो उस क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल मतलब रोम्बस, रोम्बस भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है, ओके, जिसको चार साइड है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, रोम्बस भी चार साइड वाला है, ओके, देन व्हाट इज इट्स एरिया, ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सपोज दिस इज अ रोम्बस, ओके, आई नेम इट एज ए बी सी डी, ओके, नाउ दीज टू आर द डायगोनल्स, डायगोनल बी डी एंड डायगोनल एस, दीज टू आर द डायगोनल्स, ओके, लेट दीज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एम, ओके, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एम, ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल गिवन, सपोज ए सी की 48 दी है, ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रोम्बस, ओके, देन ए सी एंड बी डी, सॉरी बी डी आर टू डायगोनल्स, डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट एम, राइट, ओके, देन लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन, एक डायगोनल की लेंथ दी है ना, लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ओके, नाउ आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज गिवन, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर, रोम्बस पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ डी ई, ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट इज इट गिवन 100 सेंटीमीटर, ओके, 100 सेंटीमीटर, ओके, रोम्बस का पेरीमीटर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि उसकी सारी के सारे साइड एक सेम लेंथ की होती है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट, सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाइड बाय, कौन से तो भी एक साइड का नाम लिखो, सपोज ए बी का ए बी लिखते हैं, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाइड बाय 4, इफ आई टेक टू अनदर साइड इट बिकम्स डिवाइडेड बाय 4, ओके, फ्रॉम दिस वी गेट लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 25 सेंटीमीटर, ओके, अब हमें लेंथ ऑफ ए बी मिल गई 25 सेंटीमीटर, ओके, लेंथ ऑफ ए सी मालूम है हमें कितनी है, लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन 48 सेंटीमीटर, ओके, अगर ए सी की लेंथ 48 सेंटीमीटर है, ए एम और सी एम दोनों सेम है, तो ये कितनी हो गया, हो गई 24 सेंटीमीटर, ओके, ये 25 सेंटीमीटर मालूम है, ये 24 सेंटीमीटर मालूम है, ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन मेक फर्दर कैलकुलेशंस, ओके, तो ये 24 कैसे आती है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके, देन लेंथ ऑफ ए एम, हमें ए एम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए एम मतलब वापस दिखाता हूं, ए एम, ओके, यानी ये ट्राइंगल के लिए जितना डायगोनल है उतनी चाहिए, आधा डायगोनल, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू
वन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एसी, एसी का आधा है. ओके, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ एएम इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, 48 इज इक्वल टू 48 का हाफ मतलब 24 सेंटीमीटर. ओके, एएम की लेंथ मिल गई 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी नो दैट इन प्रॉपर्टीज ओनली वी हैव लर्न दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो देयरफॉर अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर ये डायगोनल्स अगर ये परपेंडिकुलर हैं, तो मेजर ऑफ एंगल ए एम बी, इस एंगल का मेजर कितना हुआ 90 डिग्री. राइट, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. उसकी वजह से क्या हुआ, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. सो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ए एम बी, ये पूरा राइट एंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, उसमें क्या है, ये 24 मालूम है, ये 25 मालूम है. अगर ये वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी एम बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. राइट, by theorem of Pythagoras. Pythagoras, length of AB square is equal to length of AM square plus length of MB square. What is this? Hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Okay, hypotenuse हमें मालूम है 25 square is equal to AMB मालूम है 24 square plus length of MB square. So therefore 625 is equal to 576 plus length of MB square. Right, therefore 625 multiplied by 576 is equal to length of MB square. So therefore length of MB square is equal to, दोनों का subtraction कितना आता है, 49. अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो उसका आंसर मिलता है लेंथ ऑफ एमबी. एमबी स्क्वायर है ना, तो एमबी स्क्वायर के बदले में उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, लेंथ ऑफ एमबी. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज 7. सो 7 सेंटीमीटर. एमबी की लेंथ कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर. अब हमें उस ट्राइंगल के तीनों साइड, ओके सपोज आई विल ड्रॉ द ट्राइंगल हियर. ओके, ए एम बी, अब तीनों साइड की लेंथ मालूम है 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ओके, ये जो पूरा डायगोनल है ऐसा, ओके, उसमें ये ट्राइंगल के हमें मेजरमेंट मालूम है. अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरा रोम्बस का एरिया मिलता है. ओके, राइट, सो देयरफॉर वो एक तरीका है एरिया फाइंड आउट करने का. ओके, यानी एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, बाकी उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये एक तरीका है. ओके, नहीं तो एक काम करते हैं, यहां पर अगर बीएम की लेंथ मालूम है तो ये जो पूरा बीडी है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 14. राइट, एंड देन वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस. ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ बीडी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ बीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीएम, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. राइट, ओके, नाउ वी गॉट द लेंथ ऑफ बीडी, वी नो द लेंथ ऑफ एसी आल्सो. ओके, दोनों डायगोनल की लेंथ मालूम हो गई,
सो देयर फॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय d2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर सेकंड डायगोनल इन एग्जांपल ओनली इट इज गिवन 24 सेंटीमीटर ओके दोनों को 2 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आंसर मिलता है सॉरी यहां पर गलती हो गई 24 नहीं ये 48 सेंटीमीटर 48 सॉरी 48 यहां पर 48 ओके लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी इज गिवन 48 ओके बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 24 ओके सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 48 आंसर इज 336 एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर राइट सो द फाइनल आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्योंकि क्वेश्चन में क्या वर्ड पूछा है उन्होंने यूज किया है क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 336 स्क्वेयर सेंटीमीटर राइट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 इज इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वेयर सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ओके डायगोनल की लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर उसका एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर और फाइंड इट्स पेरीमीटर ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल लेट अस ड्रॉ अ रोम्बस ओके अगेन आई नेम इट एज ए बी सी डी ओके ये उसके डायगोनल्स ओके डॉटेड लाइन से डायरेक्टली ठीक ओके लेट दिस टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट एम ओके हियर आई विल गिव द इंफॉर्मेशन लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी द गिवन रोम्बस ओके एंड AC and BD are two diagonals intersecting at the point M. Right? Okay. Now what is given area of quadrilateral? Quadrilateral and a rhombus. Okay, ABCD is equal to 240 square centimeter. Okay, and length of BD. Okay, BD and a diagonal ki length. Okay, is given 30 centimeter. In question it is given 30 centimeter. Okay, ab. एरिया क्या आता है हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है लेकिन पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक साइड की लेंथ तो मालूम चाहिए ना इज इट करेक्ट फॉर फाइंडिंग दैट पर्पस फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस ओके क्योंकि एरिया दिया है उसी एरिया से ये निकालना पड़ेगा ओके सो व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय d2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2 ओके इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन डायगोनल इट इज गिवन 30 सेंटीमीटर ओके एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन 240 स्क्वेयर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय d2 ओके सो देयरफॉर इसको यही पर ये करो ओके सो क्या बचता है 240 ये न्यूमरेटर की प्लेस पर ये आएगा नीचे इज इक्वल टू d2 सो देयरफॉर लेंथ ऑफ d2 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 15 आंसर इज यू विल गेट 16 सेंटीमीटर ओके
लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, ओके, दूसरे डायगोनल की लेंथ मिल गई। एक डायगोनल की लेंथ हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी मिल गई 16 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू कंसीडर नाउ, सी, ओके, आई विल टेक यू टू द डायग्राम। नाउ दीज टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स, ओके, तो इसकी लेंथ मालूम है ए सी की, ओके, लेंथ ऑफ ए सी इज 16 सेंटीमीटर, ओके, एक की लेंथ हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर है, दूसरे की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। अब इनके आधी आधी लेंथ ले लो, ओके, एंड फ्रॉम दिस यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एडी बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, राइट। उससे अगर एक बार मिल गई तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, राइट। लेट अस कैलकुलेट, ओके, देन व्हाट टू राइट डायगोनल्स, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेनेशन देना है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम, यानी ए से शुरू होता है एम, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ए सी, ओके, एंड देन लेंथ ऑफ बी एम, दूसरा डायगोनल, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ बी डी, राइट। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी इज गिवन 16 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, आंसर मिलेगा 8 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ बी डी, बी डी की लेंथ क्या दी है 30 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, आंसर यू विल गेट 15 सेंटीमीटर, राइट। हमें अब ए एम और बी एम की लेंथ मिल गई, ओके, आई विल टेक यू टू डायग्राम। ए एम और बी एम, ओके, ये अब ये कंसिडर करते हैं, बी एम की मैंने हमने कैलकुलेट की है, अब इस को कंसिडर करते हैं, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी, ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, ओके, सो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, ओके, और उसको हम क्रॉस कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, व्हाट इज इट, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ओके, ए बी स्क्वेयर का मतलब कौन सा, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर, यानी बी एम स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एम स्क्वेयर प्लस लेंथ ऑफ बी एम स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए एम, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, ए एम की लेंथ कितनी है 8 स्क्वेयर, ओके, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एम 15, सो इज इक्वल टू 15 स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 15 का स्क्वेयर 225 इज इक्वल टू 289, दोनों की एडिशन कितनी आती है 289, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी, ये किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेयर, किसकी लेंथ है ए बी स्क्वेयर, हमें लेंथ ऑफ ए बी चाहिए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 एंड 289 का स्क्वेयर रूट है 17 और वो क्या है सेंटीमीटर, ओके। अब हमें रोम्बस के एक साइड की लेंथ मिल गई, राइट, सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड
17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17 फोर जा 68 सेंटीमीटर राइट. सो फाइनल आंसर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर. ओके दिस इज द फाइनल आंसर. ओके हियर आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 ओके गेट्स ओवर. ओके आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके एंड इवन इन दैट प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 विल बी कंप्लीटली सॉल्व. ओके टिल देन थैंक यू.